अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हो और मज़े में हो। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम में स्केनिया बस मोड कैसे ऐड होगी। जैसे कि आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है, हमने एक स्केनिया बस मोड को ऐड किया है, तो बहुत VIP ज़बरदस्त किस्म का मोड है। तो ये मोड कहाँ से डाउनलोड की, गेम के अंदर किस तरीके से ऐड होगी, सारा तरीक़ेकार मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अपने स्टेप बाई स्टेप फॉलो कर देना है ताकि वीडियो का हर पार्ट आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाएगी। तो काफ़ी मस्त मोड है दोस्तों, फुल रिव्यू मैं आप लोगों को गेम प्ले में करूँगा। तो अभी हम गेम को प्ले करेगा, तो हमारा गेम जो है वो अभी प्ले हो रहा है। तो दोस्तों, हमारा गेम जो है वो अभी प्ले हो चुका है। तो सबसे पहले आप लोगों को डैशबोर्ड दिखाऊंगा। तो ये मोड की डैशबोर्ड है, आप वीडियो में देख सकता है, बिल्कुल रियल बसों की तरह, रियल गाड़ी की तरह। मोड की स्टीयरिंग चेक करो, बहुत ज़बरदस्त और VIP किस्म का डैशबोर्ड है। और ये बस की अंदर सिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल रियल बसों की तरह, रियल गाड़ियों की तरह। यहाँ पे जो पैसेंजर वगैरह बैठेगा तो ये इसकी जगह है, ठीक है। कितनी साफ सुथरा, बिल्कुल रियल बसों की तरह सीट है। तो काफ़ी मस्त मोड है दोस्तों, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो तीन बटन नज़र आ रहे हैं, इससे क्या होता है, तो अभी हम नंबर वन पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होता है, तो इससे दोस्तों गाड़ी नीचे और ऊपर होता है, ठीक है। और नंबर टू पे क्या होता है, तो ये क्या है दोस्तों, गाड़ी के जो नीचे साए ये मतलब हट जाता है, ये फिर से आ गया, ठीक है। और नंबर थ्री पे अभी हम क्लिक करेंगे, इससे क्या होता है, यहाँ पे जो दोस्तों पैसेंजर सामान वगैरह बैग रखता है, तो ये इसकी जगह है, यहाँ पे आप देख सकता है, ठीक है। फिर से हम क्लिक करेंगे तो ये बंद हो गया, ठीक है। तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मोड है दोस्तों, एक बार आप अपने गेम में लगाओगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो वाकई ज़बरदस्त किस्म का मोड है। तो ये मोड कहाँ से डाउनलोड होगी, गेम के अंदर किस तरीके से ऐड होगी, सारा तरीक़ेकार मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बगैर स्किप देख लो ताकि वीडियो का हर पार्ट आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इस मोड का एक ऐप है, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा, प्ले स्टोर से थोड़ा मुश्किल से डाउनलोड होगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आप वो थोड़ा आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से जो है वो थोड़ा मुश्किल से डाउनलोड होगा। तो ये मोड कैसे डाउनलोड होगी अभी आप लोगों को तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तो हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और साथ में दिए गए घंटी का निशान ज़रूर दबाए ताकि गेमिंग के रिलेटेड से जो भी वीडियो, जो भी मोड और जो भी फाइल, जो भी अपडेट हम अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। तो डाउनलोड करने के लिए आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है। तो फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मोड का लिंक मिल जाएगी, जब आप उस लिंक पे क्लिक करें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगी। तो उसके बाद आपने आई एम नॉट आर अबाउट इस वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना है, और भी नीचे जाना है, और भी नीचे जाना है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक कंटिन्यू का बटन मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिर्फ 15 सेकेंड वेट कर देना है, ये थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी, ठीक है। तो 15 सेकेंड वेट करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और भी नीचे आ जाना है, और भी नीचे आ जाना है, तो एक रेड कलर का कंटिन्यू बटन मिल जाएगी, आपने उस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद एक और कंटिन्यू का बटन आ जाएगी, यहाँ पे एड्स में आ जाएगी, आपने एड्स पे क्लिक नहीं कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू का बटन आ जाएगी, थोड़ा सा नीचे आ जाना है, और भी नीचे आ जाना है, तो ये ब्लू कलर का कंटिन्यू बटन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी वेरीफिकेशन, ठीक है, तो आपने वेरीफिकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे आपने सिर्फ 5 सेकेंड वेट कर देना है। तो 5 सेकेंड वेट करने के बाद आपने गेट लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मीडिया पैर का लिंक आ जाएगी, तो ये मोड का डाउनलोड लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करो तो यहाँ से मोड डायरेक्ट डाउनलोड होगी। तो ये है डाउनलोड करने का तरीका, अभी आप लोगों को बताऊँगा कि ये मोड गेम के अंदर किस तरीके से ऐड होगी। तो आपने मोबाइल के स्क्रीन पर आना है, तो मोबाइल स्क्रीन आने के बाद आपने आना है ZRChore ऐप में, अगर आपके पास नहीं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ZRChore ऐप आने के बाद डाउनलोड वाला फोल्डर पे आना है, ठीक है। तो डाउनलोड फोल्डर आने के बाद दोस्तों, जब आप डिस्क्रिप्शन से मोड का लिंक डाउनलोड करें तो इस तरह की जिप फाइल आ जाएगी, तो आपने इस फाइल पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद स्ट्रैक हेयर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तक हेयर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगी, स्केनिया बस मोड और बस, तो आपने इस फोल्डर पर क्लिक कर देना है, और उस फोल्डर के अंदर आप लोग को इस तरह की सफेद फाइल मिल जाएगी। तो ये फाइल आपने यहाँ से कॉपी कर देना है, ठीक है। कॉपी पे क्लिक कर देना है, बैक जाना है डिवाइस मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद आपने आना है बसीट वाला फोल्डर पे, ठीक है। बसीट फोल्डर आने के बाद मोड्स वाला फोल्डर पे आना है, और उसके बाद ये फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से तो काम ख़त्म हो गया, अभी हम गेम को ओपन करेगा कि आया हमारे गेम में ये मोड ऐड हो गई या नहीं। तो अभी हम अपना गेम को ओपन करेगा, तो दोस्तों हमारा गेम जो है वो अभी ओपन हो रहा है। तो हमारा गेम जो है वो अभी ओपन हो चुका है, यहाँ पर तो आप लोगों को मोड नज़र नहीं आ रहा, तो आपने गैरेज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे जो तीर का आइकन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये भी गेम की ओरिजिनल बस है, फिर से आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये भी गेम की ओरिजिनल बस है, आपने फिर से इस पर क्लिक कर देना है तो शायद अभी मोड आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार कर देना है, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों मोड जो है वो आ गया। उसके बाद आपने यूएसई पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यस पे क्लिक करें, फिर आपकी गेम में ये मोड ऐड होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये मोड डाउनलोड कर देना है और गेम के अंदर ऐड कर देना है। तो इस पर लेवरी भी नहीं लगी हुई है, लेवरी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड करो, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को समझ में आई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो दोबारा प्ले करो, इंशाल्लाह फिर आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।